हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के टीचिंग एंड प्लेटफॉर्म पर, इंडिया नंबर वन प्लेटफॉर्म। फटाफट आ जाइए, लाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है गाइस। जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSSB की, KVS, सुपर टेट, NVS, APS, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप सभी लोग जुड़ते जाइए, फटाफट आ जाए। यस, और मैं देख पा रहा हूँ लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं। फ्री और प्लस में क्या क्या डिफरेंस है? यहाँ लिमिटेड सिलेबस है, यहाँ कंप्लीट सिलेबस है, यहाँ लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है। प्लस के फीचर्स क्या क्या है? फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली मॉक टेस्ट है गाइस। तो फटाफट जुड़ते जाए। यस, ओके। बैच कोर्स के बारे में देख लें, 10 डेज मैराथन सीरीज होने जा रही है, ठीक है? आप लोग जुड़ सकते हैं 28 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच। DSSSB PRT में आप जुड़ सकते हैं गाइस, फटाफट देखें, 25 सितंबर से बैच चल रहा है, ओके। यूपी टेट के लिए आप प्रॉपर तरीके से जुड़ सकते हैं, यूपी टेट में इंडिया के टॉप लेवल की टीम पढ़ा रही है गाइस, जुड़ते जाएं आप लोग। फाइनल मैराथन सीरीज देखें, हो चुकी है। सीटेट के लिए प्रॉपर जुड़ते जाएं गाइस, सीटेट के लिए इंडिया की टॉप लेवल की टीम पढ़ा रही है, 8 सितंबर से बैच चल रहा है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यस, मैं देख पा रहा हूं। यस, ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्रैक MPTET कंप्लीट बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ सुपर टेट की कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप दीजिए गाइस, सुपर टेट तो देखिए फाइनली आपको देना ही है, तो सुपर टेट के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 80% तक गाइस फीस कम हो चुकी है विथ मॉक टेस्ट, तो आप सभी लोग जुड़े, 6 मंथ 12 मंथ के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और 80% तक फीस ड्रॉप हो चुकी है, तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें और सभी लोग जुड़ते जाए, ठीक है? और ये फी अभी डिस्काउंटेड ही चल रही है, ओके। और DSSSB सुपर टेट, KVS, NVS का बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं विथ मॉक टेस्ट, ये क्लास 3:30 बजे से होती है, इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये प्लस का कोर्स है, मैं 3:30 बजे इसकी क्लास देता हूँ। कोड याद रखिएगा, किसी भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप, कोड उदय 10 ही अप्लाई करिए, और बेस्ट टीचर्स के, इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़िए आप लोग, ठीक है? 29 सितंबर, 29 सितंबर को स्पेशल क्लास फेस्टिवल है गाइस, 12:30 बजे 5:30 बजे में हमारी क्लासेज होंगी, तो ये क्लासेज भी आप लोग जरूर अटेंड करिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। हेलो मीरा, हेलो नाजमी खां, प्रियंका, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बक्स बाउंटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो बताइए, प्राइज जीती है, ठीक है बच्चे? ओके, मैं देख पा रहा हूँ लगभग बच्चे जुड़ गए हैं, थैंक यू बच्चे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा मैं स्लाइड ले लूं बेटा एक बार, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। स्लाइड लेते टाइम बफरिंग होती है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा वापस, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? अमित शाद राजपूत, कैसे हैं अमित शाद, हाउ यू? विच इज द करेक्ट स्पेलिंग गाइस? क्लेप्टोमैनिया, मैनिया का मतलब देखिए क्या होता है। यस, मैं देख पा रहा हूं लगभग बच्चे उड़ गए।
आई एम फाइन आई एम फाइन. विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लेप्टोमैनिया. मेनिया का मतलब होता है किसी भी वर्ड में मेनिया लग जाए तो उसका मतलब होता है एक तरह का ऑब्सेशन, पागलपन. मैनिएक होना, पागलपन. अब वो एक्चुअली में पागल नहीं होता, जो मेनिया जिसके आगे लगा होता है उसमें वो काम करने की आदत होती है, इस तरह का पागलपन, उसे हम लोग बोलते हैं मेनिया. तो क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो डबल पी आ रहा है, क्लेप्टी मेनिया, क्लेप्टोमेनिया. तो बताइए गाइस क्या होना चाहिए. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्लेप्टोमेनिया मतलब चोरी का पागलपन. थर्ड क्लास के बच्चे की बुक देखा चुरा ले जाएगा, मतलब कुछ भी हाथ लग जाए वो उठा ले जाएगा, क्लेप्टोमेनिया. अमरनाथ, अमरनाथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. श्रुति डी, एडिक्ट. डी विल बी द राइट आंसर. अगला देखें, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. ये जो क्वाइट है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताना चाहता हूं क्या है. एडवर्ब है ये. क्या है? एडवर्ब है ये. आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन. नॉट लगा हुआ है कि मैं नहीं रहा हूं. हमेशा आदमी बुरी चीज नहीं रहता है, अच्छी चीज वो रहता है, हमेशा बुरी चीज नहीं रहता है. इन डूइंग, करने में, वॉट एवर, जो कुछ भी नीडफुल था उसके करियर को बनाने में, फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था उनमें मैं नहीं रहा हूं. बताएं फटाफट. सेकेंड का ए, आदित्य. पूनम का भी ए आ रहा है. ओके पूनम, और बच्चे भी आंसर दें. काफी बच्चों का आंसर आ रहा है. और अभी गाइस 12:30 बजे, 12:30 बजे मैं आपको बताना चाहता हूँ वन वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है. ये भी क्लास आप लोग करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास. ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया है सबको, ठीक है? तो ये क्लास देना ना भूलिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए. अमरनाथ, ओके. चलिए मैं शेयर कर देता हूं और बच्चों को. ओके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्म में है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह. मैं जो है कभी भी क्या नहीं रहा हूं, आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट, लापरवाह नहीं रहा हूं वो करने में. इन डूइंग वॉट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर करेक्टर, उसके करेक्टर को बनाने में जो कुछ भी जरूरत था वो करने में. ये चीजें आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ओके. स्नेहा वॉज मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर. स्नेहा वॉज डैश मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर. वर्तिका बॉटल दो पानी की जरा. अक्यूज्ड ऑफ, ओके ओके. देखिए कई बार मैंने आप लोग को बताया है, अक्यूज्ड हो गया, एक्विटेड हो गया. एक्विटेड का मतलब होता है रिहा करना. क्या करना? ये एक बड़ी समस्या रहती है जिंदगी.
ठीक है, दोनों का क्या मीनिंग होता है? अक्यूज्ड और एक्विटेड, दोनों का मतलब होता है, एक का मतलब बंदी बनाना और एक का मतलब रिहा करना, और दोनों के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है ऑफ। लेकिन यही मैं बताया दे रहा हूँ इसी के साथ, क्योंकि लगभग 90% बच्चे गलत करके एग्जाम में चले आते हैं। चार्ज के साथ क्या आता है? विथ आता है बेटा। नहीं नहीं बेटा, अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी तो ठीक है। क्या बेटा अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं अभी तो सही है बेटा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ। यस यस, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस यस, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा? स्नेहा वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी है इसीलिए अक्यूज्ड आया है, कोर्ट ने उसको दोषी नहीं पाया, तो यानी पहले वो दोषी पाई गई थी। तो कई बच्चे कुछ बिना देखे ही एक्विटेड लगा देते हैं। एक्विटेड ना लगाइए, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करिए बेटा, यानी उसको कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है और उसे एक्विटेड कर दिया, देखिए, और उसे रिहा कर दिया है। सर मेरे यही यहाँ है, आपका नहीं? अच्छा, चलिए जल्दी देखिए, ये छोड़िए, चलिए एक ईडियम है इसका आंसर दें। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये एक ईडियम है गाइस, इसका आंसर दें। यस, काफी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, विजेता ठीक है। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, कल एक बच्चा कह रहा था सर उसको पैसेज और ईडियम फ्रेजल नहीं कराए गए। ईडियम और फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, ये हम प्रैक्टिस सेट में कराते हैं, और बहुत बड़ा धोखा होता है अगर कोई टीचर आपको एंटोनियम सिनोनियम पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने से आपको आ रहा है, तो आपसे फिर बेकार तैयारी कोई नहीं कर रहा है। एंटोनियम सिनोनियम ऐसी चीज है बेटा, टीचर पढ़ा रहा है वो तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन ये सब तो खुद से पढ़ना चाहिए। इसमें कौन सा लॉजिक है भाई? इस वर्ड का मतलब ये होता है, पढ़िए किताब से, नोट्स बनाइए, टीचर हाँ थोड़ा ट्रिकी बता देगा, तो कम से कम तुम तो पढ़ो बेटा पहले। पैसेज है, आप अंग्रेजी पढ़ोगे नहीं, हम तुम्हें पैसेज पढ़ा देंगे। पैसेज में क्या होता है बताइए, कैसे पढ़ाया जाएगा? पैसेज में हम पढ़ते चले जाएंगे, हम ही आंसर बता देंगे, तुम्हें क्या समझ में आया उसमें? और ऐसा तो है नहीं बेटा, जो हम पैसेज पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, इन दोनों में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको मैं धोखे में नहीं रखूंगा, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन न्यूज़पेपर से बेटर कोई भी साधन नहीं है। न्यूज़पेपर वगैरह आप नहीं पढ़ रहे हो कैसे काम चलेगा? तो एंटोनियम सिनोनियम, पैसेज, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, सब रटे होने चाहिए बिल्कुल। हालांकि हम कराएंगे आपको, जैसे अभी 12:30 बजे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास लगी हुई है, हम पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बेटा ये सब आप पढ़ सकते हो, इसके लिए बौराने की जरूरत नहीं है बहुत। कल एक बौरा गया था बच्चा, चलिए खैर। तो भाई साहब रीड बिटवीन द लाइन, अब जरा याद करिए वो दिन जब आप हाई स्कूल इंटर में थे और एक एक लाइन पढ़ के जाते थे, तो ऐसा तो नहीं है पेपर में जो संदर्भ व्याख्या आ रही है या कोई किसी को आपको एक्सप्लेन करना है, तो एज इट इज आप उतार देते थे, आप उसके अर्थ को समझते थे और फिर लिखते थे। एक या दो आएगा बेटा, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बिल्कुल सही है बी, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को समझना। जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में पोइट्री की एक्सप्लेनेशन करते थे, तो ऐसा हम लोग पोइट्री की लाइन से उतार के नहीं रख देते थे, उसको पढ़ते थे, उसमें जो मीनिंग निकल रही है उससे हम लोग बताते थे, तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यस बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। फटाफट देखें,
अगला देखो, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट मतलब अगर आपने मिल्टन को पढ़ा है, आपने एरोपेजिटिका के बारे में नहीं पता, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में नहीं पता, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं पता, एल एलिगोरो नहीं पता, एल पेंसरोसो नहीं पता आपको, ऑन शेक्सपियर नहीं पता आपको, तो मजा नहीं आएगा। और मिल्टन का नाम लेते ही बड़ा ही शानदार उनका एक वर्क रहा है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यस, थीम टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। अच्छा, आप लोग के अकॉर्डिंग पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन होना चाहिए, बताइए बताएं बेटा। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, क्या बताएंगे आप? ओके, मिल्टन स्टाइल्स इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड, मिल्टन स्टाइल्स इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड वीक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, हार्मोनियस स्टाइल, स्कैटर्ड स्टाइल, व्हाट टाइप स्टाइल, व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल। बिल्कुल, कुछ चीजें तो एकदम दिमाग में छप जाती, मेमोरी कार्ड की तरह। क्या हो जाएगा? ग्रैंड स्टाइल। यस, बी ग्रैंड स्टाइल। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैन गोइंग टू हेल, सैटर्न्स ब्रेवरी, मैन रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। ओके ओके, ये तो अभी करा चुका हूं मैं शायद, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्टन, हाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन। हु हैज कॉल्ड शैले अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हु हैज कॉल्ड शैले अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड गाइस? यस यस, राइटर्स का मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे बेटा। हु हैज कॉल्ड अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड? द पोइट एल्गिरोन चार्ल्स स्वाइनबर्न आ ग्रेट प्रमोटर ऑफ शैले रोट, राइट? शैले रोट ही अलोन वॉज द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड्स ऑल सैंग टूगेदर। एसी स्वाइनबर्न पूरा इनका नाम था, एल्गिरोन चार्ल्स स्वाइनबर्न, ये बेटा इनका पूरा नाम स्वाइनबर्न, ये इनका पूरा नाम था। यस ठीक है, अगला देखें। हु प्रेज्ड शेक्सपियर, ये कहकर किसने शेक्सपियर को प्रेज किया? अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, मतलब दूसरे तो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन से मारते हैं, लेकिन दाउ आर्ट फ्री, दाउ आर्ट का मतलब है यू आर फ्री, तुम फ्री हो, तुम्हारी कला फ्री है। वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, तुम्हारी स्माइल, तुम मुस्कुराते हो और तुम्हारी कला जो है वो शांत है। तो भाई साहब, ये तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है। अर्नोल्ड का कौन सा वर्क था जिसमें अर्नोल्ड ऐसा कह रहे हैं, बताएं फटाफट। बिल्कुल सही है, मैथ्यू अर्नोल्ड। यस, मैथ्यू अर्नोल्ड। देखिए बेटा, ये सीरियसनेस पढ़ने की होती है बच्चों की। आज मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर नहीं किया है और ये है सीरियस, अभी शेयर कर दूं 80-90 बच्चे होंगे, तो आज मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे पढ़ने मन लगाते हैं, फिर मैं शेयर करूंगा। पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कितने अपने मन से आ रहे हैं, फिर शेयर करता हूँ। नाजमी, यस यस,
ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स वर इन, बताइए। अच्छा क्वेश्चन, उसके जो सारे प्रयास थे वो क्या हो गए, कहाँ चले गए? ऑल ऑफ हर एफर्ट्स इन, बताइए बच्चे फटाफट। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स वर इन, सारे उसके प्रयास किसमें थे, क्या थे? तो देखिए मैं सभी का मतलब बता दूं, जो पहला वाला वेन है इसका मतलब होता है कमी आना, कमी आना या पतन होना किसी चीज का। VAIN का मतलब होता है, पता ही है। VEIN का मतलब होता है नस, जो आप वेन्स बोलते हो, नस होना, छेद होना, नन तो होगा नहीं। तो बेटा क्या आंसर आएगा बताइए? VAIN, यस, तो आंसर आ जाएगा VAIN। इसका मतलब होता है निरर्थक या बेकार। आंसर विल बी बी, जितने बच्चों का VAIN आंसर आएगा, बी आ रहा है, जितने बच्चों का VAIN आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, निरर्थक। या तो देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर। यस यस, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जहां पे बीज को रखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जल्दी बताएं। आरबी अंबेडकर नगर। हेलो आरबी, हाउ यू, कैसे हैं आप? तो देखिए हम आपको बता दें, एक वर्ड होता है अवियरी, कई बार एग्जाम ये साथ, एग्जामिनर साथ में लिख के देगा, और कई बार एक वर्ड होता है अपियरी, केवल वी और पी का फर्क है। अब हम आपको बताते हैं, जो अवियरी है इसका मतलब होता है बर्ड्स या केज, बड़ा पिंजड़ा, जहां चिड़ियाघर टाइप का, ये एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है दरबा होना या केज होना, पिंजड़ा होना, है ना, बंद करके रखा जाता है। केज का तो मतलब पिंजड़ा होता है, ये नेस्ट मतलब घोंसला। अपियरी इज द राइट आंसर, अपियरी, अपियरी का मतलब होता है वह स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी साला कहलाता है, ठीक है, तो अपियरी। यस, अक्षिता। और इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, शहद पीना बड़ा अच्छा होता है, शहद पीते हैं आप लोग? तो एक याद रखिए, दूसरा अपने याद रहेगा, मधुमक्खी वाला याद रखिए, अपियरी पी आया है इसमें, वी आई आएगा कि पी आई में, पी देखिए, पी, शहद को हम लोग क्या करते हैं, पी जाते हैं, तो पी वाला याद रखिए, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, चेहरे पे लगाते हैं, ये भी ठीक है। यस, यस यस यस, हु रेफर टी एस एलियट स्टाइल एज पोइटिक शॉर्ट हैंड, हु रेफर टू टी एस एलियट स्टाइल एज पोइटिक शॉर्ट हैंड, बताएं गाइस। मिस्टर सतीश कह रहे हैं यो, मैं देख पा रहा हूँ, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ए, काफी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, हेलो राखी, हाउ आर यू,
यस आई रिचर्ड इज द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का ए आ रहा है बिल्कुल सही है, आई ए रिचर्ड। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखें, विच ऑफ टी एस इलियट्स पोयम इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल पैटर्न। ये भी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, ये ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ही दिन पहले पढ़ाया गया है। विच ऑफ टी एस इलियट्स पोयम इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल पैटर्न, फटाफट बताएं। विच ऑफ टी एस इलियट्स पोयम इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल पैटर्न। फोर पोर्ट्रेट्स, द वेस्टलैंड, द हेलो मैन, नन ऑफ दीज, क्या होगा? और इसका भी आंसर कई बच्चे गलती कर देते हैं बड़े आराम से। यस ए विल बी द राइट आंसर, फोर क्वार्टर, यस ए विल बी द राइट आंसर गाइस। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इन द वेस्ट लैंड द फ्रेज वॉयलेट आर रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? इन द वेस्ट लैंड वॉयलेट आर रेफर टू, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम या डाउन? फटाफट आंसर दें। बिल्कुल सही है, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम इज द राइट आंसर। अगला देखिए, इन ज्यूट द ऑब्सक्योर, व्हाट इज ज्यूट सरनेम, ज्यूट का सरनेम क्या रहता है? इन ज्यूट द ऑब्सक्योर व्हाट इज ज्यूट सरनेम, फटाफट बताएं। सर आज आप और पानी नजर नहीं आ रहा है, आग और पानी नजर नहीं आ रहा। अच्छा आग और पानी कौन? अच्छा पूनम, देखिए रोज आती है। पूनम का सिलेक्शन, मेरे दिल से दुआ है कि इसी साल जल्दी से पूनम और सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कोई भी क्लास हो पूनम जरूर अटेंड करती हैं। यस बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, फाउल है। यस बी इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। लीजिए, नाज़िमी खान ने आग जला दी है। सभी लोगों का होगा सिलेक्शन, ये ईश्वर की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। चलिए देखिए, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी द शॉप, एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा, किस पार्ट में एरर? ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा, नो एरर, फटाफट बताएं।
यस मैं देख पा रहा हूँ लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है। थैंक यू। अब देखिए हम आपको बता दें, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इन सभी के बाद जितने भी ऑफ हैं ये, इन सभी के बाद हम कैसा नाउन यूज करते हैं? इन सभी के बाद प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। बट वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब। बेटा एनी शॉप होता है, लेकिन एनी ऑफ द शॉप की बात देखी जाए तो यहाँ शॉप्स हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि इस तरह का प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है एनी ऑफ द शॉप। जितनी भी दुकानें उनमें से किसी भी तरह की दुकान में नहीं उपलब्ध है इन द मार्केट। अगर तुम्हें केवल शॉप लिखना होता तो एन ऑफ ना लगा होता, फिर लिखा होता एनी शॉप, डायरेक्ट आप लिख दीजिए एनी शॉप। लेकिन ऑफ लगाने का पर्पस ही यही है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी शॉप्स हैं उनमें से किसी भी शॉप में नहीं है गाइस, ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, आई होप अब चीजें आप लोग की पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी। अगला देखें, यू शुड नॉट बी सो क्विक इन गिविंग एडवाइस लेस्ट यू विल बी परसीव्ड इन एज इंटरफियरिंग इन अदर्स अफेयर्स। इसमें बेटा टू एरर्स हैं। कितनी एरर्स हैं? टू एरर्स। ऑप्शन देख लें, पहला कह रहा है केवल एक में है, दूसरा कह रहा है केवल बी में है, तीसरा कह रहा है ए और सी दोनों में है। अच्छा यहां पे ए नहीं होगा, यहां बी कर लीजिएगा, बी और सी दोनों में है। ऑप्शन सही कर लीजिएगा, बी और सी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके एमएड फाइनल। ओके राकेश, किस कॉलेज में है आप? जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन लगवाइए, वैक्सीनेशन सभी लोग लगवाइए। वैक्सीनेशन तो देखिए जरूरी है। बांदा आते हैं किसी दिन? बांदा मुझे आना है बेटा किसी दिन, बहुत जल्दी आ रहे हैं बांदा। तो देखिए बी में क्या एरर है कि विल नहीं आएगा, लेस्ट के साथ सुड आता है, लेस्ट के साथ सुड, एक तो एरर ये हो गई। और दूसरी एरर क्या है? यू शुड नॉट बी सो क्विक इन गिविंग एडवाइस, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए किसी सलाह देने में, कहीं ऐसा ना हो लेस शुड बी परसीव्ड, कि कोई धारणा बन जाए कि जैसे इंटरफेयरिंग इन अदर्स एडवाइस हो जाएगा दूसरों के अफेयर्स में। तो अदर्स के लास्ट में बेटा एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगेगा, दूसरों के मामले में, के का सेंस आ रहा है इसलिए एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगेगा, दूसरों के अफेयर्स में, ठीक है। बिल्कुल बच्चा, हमने जब से वैक्सीन लगवाई तब से बीमार है। हाँ बेटा हमने भी जब लगवाई थी सारा दिन हम लेटे ही रहे थे, उठ ही नहीं पाए थे सारा दिन, इतनी ज्यादा वैक्सीन थी, हमें तो भय हो गया था बिल्कुल। ओके और अभी 12:30 बजे से बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं हम आपके लिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मजा आएगा पढ़ने में। 1 मिनट बेटा,
एक मिनट, चलिए ठीक है। द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनी वन टू एंटर इन टू द हॉल। बताइए कौन सा पार्ट इसमें इंप्रूव करना है। पूरे सेंटेंस को चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। कोई बात नहीं राकेश, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको बिल्कुल मत याद करिए। आपने दिया, आपको कमियां पता चली होंगी और लगभग 1-1.5 साल अभी हम खींचने वाले हैं टीजीटी पीजीटी। निराशा अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए, सिलेक्शन होके रहेगा आपका। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, डी, बहुत से बच्चे डी बता रहे हैं। यस, देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि अगर एंटर वर्ब की तरह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, टू एंटर एंटर वर्ब की तरह आ रहा है, तो इसके साथ कभी इनटू नहीं लगता है अगर किसी फिजिकल प्लेस में आप एंट्री कर रहे हो। किसी फिजिकल प्लेस में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो इसमें इनटू कभी भी नहीं लगेगा। अगर किसी फिजिकल प्लेस में एंट्री कर रहे हो तो इनटू नहीं लगेगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, कहिए नहीं बताई थी, बताई थी बेटा, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक, तो बेटा यहाँ डी वाला जो पार्ट है इसे हमें इंप्रूव करना है। सिंपल सी बात, डी वाले पार्ट को हमें इंप्रूव करना। यस, अगला देखिए। इन विच ईयर द रेस्टोरेशन एंड द डेमाइज इन द पावर ऑफ प्यूरिटन्स सीज द ओपनिंग ऑफ द थिएटर अगेन। 1649 से 1660 के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं, बताइए बताइए बेटा। 1649 से 1660 के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं। बताइए बताइए। इन पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स, चार्ल्स फर्स्ट को मार डाला गया था 1649 में। ये क्वेश्चन आया तो मैं बताए दे रहा हूँ, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को उसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, उसके महल के सामने उसको मार दिया गया था। टू द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1660। और 1660 जब चार्ल्स सेकेंड जब तक नहीं बैठे इंग्लैंड में, नहीं है तब तक, बीच के पीरियड को कहते हैं इंट्रेगनम। क्या कहते हैं, इंट्रेगनम और द इंट्रेगनम, बताइए। तो इंट्रेगनम का मतलब क्या होता है, बताइए, मैं देखना चाह रहा हूं कौन बताएगा। अरे पगला हो, प्यूरिटन एज वेज तो कहते ही है, वो कोई प्यूरिटन एज उसका प्रोसेस थोड़े ना, वो तो एक नाम है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, इंट्रेगनम, जो बीज का पीरियड होता है इंट्रेगनम कहते हैं। और इंट्रेगनम का मतलब होता है अ पीरियड, एक ऐसा समय जब कोई सरकार ना हो, कोई मोनार्की ना हो, कोई राजा ना हो, स्पेशली बिटवीन सक्सेसिव रेन्स और रेजाइंस, राइट। तो भाई साहब समझ चुके होंगे, इंपॉर्टेंट है, जब कोई सरकार शासन ना कर रही है, वो पीरियड जब कोई राजा ना हो। हाँ यस यस, कॉमनवेल्थ, बिल्कुल। अरे प्रेसिडेंट जरूरी थोड़े ना वहां पे हो। उस पीरियड को कहते हैं, आया एग्जाम में, मतलब जब बता दें आप लोग, तो आंसर विल बी डी सी, सॉरी
द रेस्टोरेशन एंड द डिमाइस ऑफ द पावर ऑफ प्यूरिटन्स सीज द ओपनिंग ऑफ थिएटर 1660. तो बीच में क्या था, इंटरगनम था, प्यूरिटन था, कॉमनवेल्थ था, ये सब खत्म हो गया. 1660 इज द राइट आंसर. यस 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 बिल्कुल सही बच्चा, नादमी बच्चा बिल्कुल सही. सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. बताइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, बताएं गिवन सेंटेंस. सी आस्क्ड इफ यू वर फीलिंग बेटर देन. अगर ये आपको इनडायरेक्ट लग रहा है तो डायरेक्ट बताइए, अगर आपको डायरेक्ट लग रहा है तो इनडायरेक्ट बताइए. बट कुछ तो बताइए. सी आस्क्ड इफ यू वर फीलिंग बेटर देन. देखो अच्छा, बहुत बच्चों का सी आ रहा है, बहुत बच्चों का बी आ रहा है, ठीक है. यस बेटे, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं. तो देखिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं, वर फीलिंग लिखा है ना, वर फीलिंग का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस. क्या मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस, राइट? तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो देखो किसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ए में नहीं है, कट जाएगा, ठीक है. इफ यू आर फीलिंग, इफ क्यों आ रहा है, एंक्वायर्ड क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हमें ढूंढना है ना, इनडायरेक्ट वाला थोड़ा ना होगा. और भाई साहब सी और डी, सी और डी में क्या होगा? बिल्कुल, बहुत से बच्चे सी बता रहे हैं लेकिन वो ये भूल गए कि सी इज द राइट आंसर. डी भी कट जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंट्रोगेटिव का असर्टिव होता है और यू आर फीलिंग बेटर लिखा है तो यहां होगा इंट्रोगेटिव. यस, जितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है. सी वाले अपने जो डॉक्यूमेंट निकाल लें, झाड़ पहुंच के तैयार करें, सेलेक्शन होने वाला है आप लोगों का. यस बहुत बढ़िया. जस्टिस सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, स्कॉटिश अमेरिकन. तो काटी दो, ये दोनों तो उड़ाई दो. इंग्लिश लीगल सिस्टम, ब्रिटिश सोसाइटी, क्या सिस्टम है? यस इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश लॉ सिस्टम. यस इंग्लिश लॉ सिस्टम. आगे बढ़े. गार्सवर्थी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ. द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ किसको डील करता है सिल्वर बॉक्स? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस. और मैंने एक बार ट्रिक बताई थी कि सिल्वर का बॉक्स है, ट्रिक याद है कि नहीं याद है? सिल्वर का बॉक्स है, चोरी हो गया. एक हमने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि सिल्वर का बॉक्स चोरी हो गया, आप क्या करें? न्याय चाहिए. द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क. विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैले आर द पार्ट्स ऑफ. बताएं फटाफट. विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैले, ये सब किसके पार्ट्स हैं? एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, रोमांटिक या विक्टोरियन? ज्योति क्लासेस बिंदकी. ये बिंदकी कहाँ है बेटा? ज्योति बिल्कुल. यस यस रोमांटिक एज. आगे देखें. अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोवेल. किस नोवेल के लिए उन्हें अवॉर्ड किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था?
अच्छा बांदा रोड, ठीक है। बताएं बच्चा। मिनट, फटाफट आंसर दें। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबेल। बताएं। द ओल्ड मैन एंड द सी, बी इज द राइट आंसर। द ओल्ड मैन एंड द सी, यस। यस यस, द ओल्ड मैन एंड द सी, बिल्कुल सही है। यस यस, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है गाइस, कई बार, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कई बार तो कई बार, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी पूछा गया है। चलिए, और ये क्या रहे हैं, एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट रहे हैं, एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट रहे हैं। इनके बारे में डिटेल से गाइस मैं पढ़ाऊंगा, इनके वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, फिएस्टा, द सन ऑल्सो राइसेस, ये सब पढ़ाया जाएगा। टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ठीक है, अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्री, ये सब पढ़ाया जाएगा गाइस, ठीक है। द ओल्ड मैन एंड द सी, डेथ इन द आफ्टरनून, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, मूवेबल फिश, गार्डन ऑफ ईडन, द फिफ्थ कॉलम, द स्नो ऑफ किलिमंजारो, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। यस बच्चा, अगला देखें तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1954 वॉज अवॉर्डेड टू अर्नेस्ट हेमिंग्वे फॉर हिज मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ नैरेटिव, मोस्ट रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड फॉर द इन्फ्लुएंस दैट ही हैज एक्सर्टेड ऑन कंटेम्परेरी स्टाइल। बिल्कुल सही है, अगला देखिए। देयर इज अ शॉर्टेज फॉर क्वालिफाइड स्टाफ इन मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया। बताएं। देयर इज अ शॉर्टेज फॉर क्वालिफाइड स्टाफ इन मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया। बताएं बच्चे। बिल्कुल सही है, देयर इज अ शॉर्टेज फॉर नहीं होगा, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, शॉर्टेज ऑफ होता है, लैक ऑफ होता है, डिवॉइड ऑफ होता है, स्कार्सिटी ऑफ होता है, पॉसिटी ऑफ होता है, और इसी तरह एक वर्ड होता है डर्थ ऑफ। याद रखिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डर्थ ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ, डिवॉइड ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ, पॉसिटी ऑफ, ये सारी चीजें बेटा एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन लगभग लगभग एग्जाम में निकल के आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए, ठीक है। नहीं बेटा, कोई मौज नहीं ले रहा है, कौन मौज ले रहा है भाई, ठीक है। तो देयर इज अ शॉर्टेज फॉर नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, क्या हो जाएगा,
ऑफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा इस तरह से। प्रेपोजिशन, इन्हें बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखें, शी यर्न्ड डैश द रिटर्न ऑफ हर ओन होम। शी यर्न्ड डैश द रिटर्न टू हर ओन होम। बताएं फटाफट। कोई बात नहीं बेटा, नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप लोग देख लिया करिए एक बार 10 बजे स्टार्ट हुआ है कि नहीं। मतलब बच्चों को ना दिया जाए तो बच्चे कभी आएंगे नहीं, जान लीजिए। जल्दी बताएं। शी यर्न्ड डैश द रिटर्न टू हर ओन होम। टू फॉर इन बाय क्या होगा? जल्दी बताएं। ओके बेटा, ओके। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था एक वर्ड होता है लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, लॉन्ग हो गया, क्रेव हो गया, यर्न हो गया, पाइन हो गया। इन सभी का मतलब होता है चाहना, तड़पना, डिजायर हो गया बेटा, डिजायर। और इन सभी के साथ आप क्या लगा सकते हो? फॉर लगा सकते हो। क्या लगाओगे? फॉर। क्या लगाओगे? ओके ओके बेटा, तो आप क्या लगाओगे? फॉर इज द राइट आंसर। यस, फॉर। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो शी यर्न्ड फॉर, वो चाहता है, वो चाहती है कहाँ आना? टू हर ओन होम, अपने घर आना। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। यस यस, ठीक है बेटे, मैं देख पा रहा हूं लगभग बच्चों का रिप्लाई आ गया है। ठीक है, अगला देखें। आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज। आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज। फटाफट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज। ठीक है बेटे, आई हैड टू लीन डैश हिम इन डिफिकल्टीज। तो क्या हो जाएगा? लीन के साथ क्या लगेगा? ऑन। देखिए, एक वर्ड होता है डिपेंड, एक वर्ड होता है रिलाय, एक वर्ड होता है रेस्ट, एक वर्ड होता है लीन, एक वर्ड होता है बैंकिंग, एक वर्ड होता है रिलायंस। इन सभी के साथ बेटा हम ऑन लगा सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना, किसी का सहारा होना। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखें, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा, ऑन आना चाहिए। मेट्रो वगैरह में कई बार कहता है डू नॉट लीन ऑन द गेट,
गेट से लटक कर गेट का सहारा लेकर ना खड़े हो, ठीक है। हाँ ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए गाइस, अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। यस चलिए अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, और अभी 12:30 बजे क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी लोग देखिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है गाइस। कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।